जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज ईद के मौके पर बाड़मेर से लगती पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स को जब सीमा सुरक्षा बल ने मिठाई दी तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वहीं आमतौर पर यह होता है कि हमेशा त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दोनों देशों के बीच में मिठाई का आदान प्रदान होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया। वहीं भारत की ओर से ये हमेशा की तरह ये कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों में कड़वाहट न हो। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों बने हुए तनाव का सीधा असर दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर देखा जा रहा है। खासकर आज ईद के मौके पर पाकिस्तान ने मिठाइयां स्वीकार नहीं की गई, जबकि यह परंपरा रही है कि दोनों देशों के त्यौहारों और खास मौकों पर मिठाइयों का आदान प्रदान सीमाओं पर होता है, लेकिन आज पाकिस्तान ने बकरीद के मौके पर BSF की मिठाइयाँ स्वीकार नहीं की गई। BSF ने मिठाइयाँ ऑफर की थी, लेकिन पाकिस्तान ने मिठाइयाँ लेने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी ये दुखद बात है, यह परंपरा आज पाकिस्तान ने तोड़ी है, उसका सीधा असर दोनों देशों के सीमा रक्षकों पर भी पड़ने की संभावना है। गत 5 जून को जब सेवियाँ आई थी तब पाकिस्तान ने मिठाइयाँ दी भी थी, मतलब मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ था, दोनों देशों के बीच यह परंपरा चल रही थी। आज पाकिस्तान ने यह तोड़ी है, परंपरा तोड़ी है, तो इसका असर सीधा सीमाओं पर भी दोनों देशों के सीमा रक्षकों पर पड़ सकता है। पुलवामा अटैक के बाद हालांकि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार की कमांडर स्तर की बैठक, कंपनी कमांडर स्तर की बैठक व किसी प्रकार का मेल जोल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सीमा पर एकदम शांति है, तनाव रहित शांति है। सीमाओं पर शांति के साथ साथ रक्षकों जो दोनों देश को जो सीमा रक्षक है उनके बीच किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हो रही है। खाली यह है मौके थे आदान प्रदान मिठाइयों का होता था, जो आज टूट गया, नहीं हो पाया।